हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीकॉम सेम वन अकाउंटेंसी की बुक से कुछ आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। और मैंने जो सारे क्वेश्चंस बताए वो इस वाली बुक से बताए, यानी कि 2021-22 वाली बुक से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं मिलता, सम नंबर नहीं मिलता, तो बाजू में उसका नाम भी मेंशन है, आप अपनी पुरानी बुक से भी ढूंढ सकते हो। सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए ना, वो सारे हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे है और हमने जो पेपर का एनालिसिस किया है उसके बेस पे। यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको आने जरूरी है, इतने तो आपको करने ही होंगे। चलो सबसे पहले बात करें तो आपका अकाउंटेंसी का सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सब नंबर 4 करना है जो सोनपाल ऑफ सनखेड़ा, फिर नेक्स्ट है नंबर 12 जो है रॉयल फर्नीचर एंड A1 फर्नीचर वाला, देन है 29 नंबर का जो परेश ऑफ पाटन वाला है, और ये वाला क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम नंबर 33 भारती जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा है। नेक्स्ट 37 वो है अक्षर जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 के पेपर में पूछा गया है। 45 नंबर विराट गुजरात यूनिवर्सिटी 2016, और सम नंबर 50 जो है विराट ऑफ विरर गुजरात यूनिवर्सिटी 2018। ये वाले इतने वो क्वेश्चंस है जो आप लोग को आने ही चाहिए, ठीक है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा और कोई सम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर 2 ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के अंदर ये है सब नंबर 9 मिस्टर पॉल ऑफ बेंगलोर, फिर है सब नंबर 14 माधवपुर, सम नंबर 27 आशना एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद, फिर है सम नंबर 50 नाइल ब्रदर्स जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में पूछा गया है, सम नंबर 55 एबीसी ट्रेडर्स गुजरात यूनिवर्सिटी 2017, सम नंबर 57 अक्षय ऑफ अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी 2019। आपको बता दूं कि इसमें कुछ इंडिपेंडेंट ब्रांच के भी क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच तो करना ही है, एज वेल एज जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको करने होंगे। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 ज्वाइंट वेंचर। इस चैप्टर में आपको इतने सम्स आने जरूरी है। एक है सम नंबर 9 कामचोर एंड प्रमादीलाल जो है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट सम नंबर 10 आपको करना है गोपाल एंड गोविंदा जो है गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम। नेक्स्ट 29 राकेश एंड कल्पेश गुजरात यूनिवर्सिटी 2016। 37 नंबर का सम अल्पेश एंड जयेश गुजरात यूनिवर्सिटी 2018, और सम नंबर 38 सीधा एंड रेड्डी गुजरात यूनिवर्सिटी 2018। मतलब ये सारे सम्स तो आपको आने जरूरी है, बिकॉज ये सारे इस चैप्टर के सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करें तो वो है यूनिट नंबर 4 कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जो एक थियोरिटिकल चैप्टर है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल पूछा नहीं जाता, तो आपको कौन सी थियोरी करनी है। एक करना है आपको फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, देन आफ्टर आपको करना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्सेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि AIS वर्सेज MIS, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, टैली सॉफ्टवेयर सिस्टम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको हम GST कहते हैं, वाउचर्स एंट्री फॉर ट्रांजैक्शंस, और नंबर 8 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसको TDS कहते हैं। तो ये सारी मोस्ट IMP थियरी है जो पास्ट पेपर में बहुत सी बार पूछी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हो, कोई भी तरह का डाउट पूछना चाहते हो, तो आप अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां पे हमारा इन तीनों सब्जेक्ट का कोर्स, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और स्टेटिस्टिक्स, सिर्फ 999 रुपए में। तो अभी के अभी आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।